नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 11 सितंबर खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 276 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की समस्या जल्द होगी दूर। इन नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू। बिहार में सिर्फ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति। रेलवे का सफर आरामदायक के साथ साथ होगा मनोरंजक। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 276 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने असिस्टेंट मल्टीपर्पस और असिस्टेंट मैनेजर के कुल मिलाकर 276 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.biharscb.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे किरण अहलूवालिया की। किरण अहलूवालिया एक कनाडाई गायिका और गीतकार हैं। आपको बता दें कि अहलूवालिया का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वह दिल्ली में पली बढ़ी और 9 साल की उम्र में टोरंटो चली गई। डलहौजी विश्वविद्यालय में MBA पूरा करने के बाद वह फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करने की योजना के साथ टोरंटो लौट गई। हालांकि उनका मन बदला और संगीत का अध्ययन करने के लिए वह भारत वापस चली आई और फिर एक संगीतकार के रूप में अपना करियर बनाने के लिए टोरंटो लौट आई। अहलूवालिया ने गिटार वादक और को अरेंजर रेज अब्बासी से शादी की है और वर्तमान में न्यूयॉर्क में रहती हैं। 2016 में अहलूवालिया कनाडाई अप्रवासी पत्रिका द्वारा प्रस्तुत शीर्ष 25 कनाडाई अप्रवासी पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं में से एक थी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की समस्या अब जल्द होगी दूर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से भले ही बिहार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन आम लोगों ने इसकी वजह से बहुत परेशानियां झेली हैं। इसमें सबसे बड़ी परेशानी थी ये नहीं पता चलना कि उनकी राशि की कटौती किस मद में की गई है। इसी समस्या को सुधारते हुए बिजली विभाग ने ठोस कदम उठाया और बिजली कंपनी की शिकायत पर स्मार्ट प्रीपेड लगाने और उसका संचालन करने वाली कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर रही है। बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस ने बताया कि बिजली कंपनी अपने सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रही है। ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली की टीम ने पटना आकर एक एक चीज को समझा है। पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे सभी SDO। बिहार में जमीन से जुड़े मामले सबसे अधिक आते हैं। हालांकि भूमि राजस्व विभाग इस समस्या को सुलझाने के लिए आए दिन ठोस कदम उठाती है। इसी कड़ी में बिहार राज्य में जमीन के मामलों में कमी आने के लिए गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के पालन में राजस्व और पुलिस विभाग का समन्वय ठीक से नहीं हो पा रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह ने इस खामी को दूर करने के लिए सभी जिलों के SSP SP को निर्देश दिया है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपने जिलों के SDO को भी जोड़े। अपर मुख्य सचिव का मानना है कि SDO ग्रुप से जुड़ेंगे तो मामले में उनकी सक्रियता बढ़ जाएगी। बिहार के अरुण झा को मिला विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार। बिहार के मधुबनी जिला के मंगरौनी गांव के अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछले 4 दशकों से अंग्रेजी भाषा व साहित्य के संवर्धन, साहित्यिक कौशल, शिक्षण कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। प्रोफेसर AK झा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जनसंचार कौशल के लिए काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ की ओर से प्रदान किया गया है। यही नहीं, वे एक प्रसिद्ध कवि भी हैं। उन्होंने संविधान व कानून पर दुनिया के पहले काव्य ग्रंथों की रचना की है। उन्हें अंग्रेजी साहित्य में अद्वितीय काव्य कौशल लिए पूर्व में विश्व काव्य पुरस्कार 22 भी मिल चुका है। आपको बताते चले कि AK झा बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री लोकेश नाथ झा के बेटे हैं। AK झा दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरविंद कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में 44 साल तक अध्यापन का कार्य कर चुके हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बड़ी दरगाह के बारे में। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है बिहार शरीफ दरगाह या बड़ी दरगाह। बिहार राज्य के प्रायः सभी क्षेत्रों में सूफी संतों के मज़ार, मकबरे, खानकाहें और दरगाह हैं, लेकिन बिहार शरीफ दरगाह इन सभी में सर्वप्रथम है। जहाँ अपने ज़माने के सर्वाधिक लोकप्रिय महान और सर्वोत्तम संत मखदूम जहाँ शेख सरफुद्दीन अहमद
याहिया मनेरी की कब्र और मकबरा है। मकबरे को बड़ी दरगाह बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। 782 हिजरी या 1380 ईस्वी में मखदूम जहां के चिन्हित इस स्थान पर दफन होने के बाद से ही यह स्थान विशेष महत्व और श्रद्धा का अनुपम केंद्र बन गया और बड़ी दरगाह कहलाने लगा। यह पावन स्थल नगरीय क्षेत्र से बाहर दक्षिणी छोर पर स्थित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश, पुलिस भर्ती प्रक्रिया में लाएं तेजी। बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बीते दिन नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर की विशेष बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक करीब 6 घंटे तक चली। इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और DGP SK सिंघल भी मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और पुलिस भर्ती में तेजी लाने से संबंधित अहम निर्देश दिए गए। साथ ही अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना हो इसके लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इन नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू। पहले चरण में जिस भी नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं उन जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके लिए प्रत्याशी या उनके समर्थकों के लिए प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वहीं आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज होगी। प्रशासन ने इसके लिए पहले ही आदर्श आचार संहिता कोषांग का गठन कर दिया है। पहले चरण में होने वाले चुनाव में अगर पटना जिले की बात करें तो यहाँ पहले चरण में 12 निकायों में चुनाव होना है, जिनमें नगर परिषद संपतचक, मसौटी, पाट, खगौल, दानापुर, निजामत, मुकामा, फुलवारी शरीफ, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहटा शामिल हैं। वहीं नगर पंचायत में पालीगंज और कुनकुन के लिए आज से। राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की प्रबल संभावना। बिहार में मॉनसून एक्टिव है। इस दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी पटना सहित प्रदेश के 26 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मॉनसून का टर्फ जैसलमेर, उदयपुर होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। इसके प्रभाव से बिहार के कई जिलों में वर्षा की गतिविधियां हो रही हैं। बिहार के बेटे को लंदन सरकार ने किया सम्मानित। बिहार में ऐसे कई धुरंधर हुए हैं जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया है। उन्हीं में से एक हैं बिहार के जमुई के छोटे से गांव नोनी से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रवि कुमार का लंदन के संसद भवन में बोलबाला है। रवि को हाल ही में 9 सितम्बर को वहाँ आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। इधर रवि के पिताजी ने जैसे ही अपने बेटे की तस्वीर देखी गदगद हो गए। दरअसल रवि को लंदन सरकार ने लंदन के संसदीय क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए सम्मानित किया है। आपको बताते चले कि रवि कुमार एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट से सेवानिवृत्त हैं और इसके बाद उन्होंने कामयाबी की बुलंदियां छूनी शुरू की और आज ऐसा है कि लंदन सरकार ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने क्षेत्र में सफल लोगों को सम्मानित करने की लिस्ट में रवि को भी जोड़ा। रेलवे का सफर आरामदायक के साथ साथ होगा मनोरंजक। अब रेल यात्रियों का यात्रा रोमांचक होने वाला है। आपको बता दें कि रेलवे ने इसके लिए खास पहल की है। रेलवे का सफर आरामदायक के साथ साथ मनोरंजक होने वाला है। एक एकड़ के ट्रेनों में टीवी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत अभी फिलहाल AC कोच में LED TV लगाई जाएंगी, जिसमें यात्री समाचार, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण देख पाएंगे। इसके लिए बाकायदा रेलवे ने एक एजेंसी हायर भी कर ली है जो ट्रेनों के अंदर टीवी और प्रसारित कनेक्टिविटी की व्यवस्था करेंगे। कुछ ट्रेनों में तो यात्री इस टीवी का लाभ भी लेने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर 1, 2, 5, 3, 2 लखनऊ गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में टीवी इंस्टॉल कर दी गई है, जिसके जरिए यात्री टीवी से मनोरंजन कर पा रहे हैं। SSC ने DVDME का ई एडमिट कार्ड किया जारी। कर्मचारी चयन आयोग की CAPF, NIA, SSF में भर्ती को लेकर अहम नोटिस जारी किया गया है। SSC GD कांस्टेबल DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DME यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में भाग लेने के योग्य उम्मीदवारों के लिए ई एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। मालूम हो कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले इस परीक्षा के शारीरिक दक्षता परीक्षा PET का रिजल्ट पिछले महीने 12 तारीख को जारी किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि देशभर में आयोजित होने वाले इस परीक्षा का परिणाम भी काफी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। बिहार में सिर्फ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति। बिहार के वैसे छात्र जो डिस्टेंस से या फिर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अब उनकी भी डिग्री रेगुलर की तरह मान्य होगी।
दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब मान्यता प्राप्त संस्थानों से हासिल की गई डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की डिग्री को भी पारंपरिक शिक्षा डिग्री के समान माना जाएगा। आपको बताते चले कि अभी बिहार में केवल एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा खुला विश्वविद्यालय NOU को भी शैक्षणिक सत्र 2022-23 तक पढ़ाई कराने की अनुमति दी गई है। इसी के सचिव रजनीश जैन ने बताया कि यह फैसला मुक्त एवं दुरुस्त शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम के नियमन के नियम 22 के तहत लिया गया है। जिले को जाम मुक्त बनाने के लिए DM की खास पहल। राजधानी पटना को जाम मुक्त बनाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बीते दिन पटना में यातायात जाम की समस्या का निदान एवं यातायात प्रबंधन से संबंधित विषयों पर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। DM ने कहा कि पटना जिला में सुचारू यातायात की व्यवस्था जनहित में आवश्यक है। उन्होंने अपर जिला दंडाधिकारी को शहर में अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जाम की समस्या का स्थायी निदान खोजने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध रहना होगा। DM डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्राप्त सुझाव एवं प्रस्तावों पर सबको नियमानुसार समयबद्ध ढंग से अनुपालन करना होगा। नामांकन के लिए मेयर डिप्टी मेयर को भरने पड़ रहे हैं इतने रुपए। नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। बीते दिन 10 सितंबर से नामांकन भी शुरू हो चुका है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क निर्धारित कर दिए हैं। इसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर के सामान्य उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 4,000 रुपये जबकि पार्षद चुनाव के लिए 2,000 शुल्क निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग श्रेणी और निकायों के लिए अलग अलग शुल्क और जरूरी कागजातों के प्रावधान किए गए हैं। आपको बताते चले कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना नामांकन करवा सकते हैं। इस अस्पताल में शुरू हुई किट के माध्यम से डेंगू की जांच की सुविधा। बिहार की राजधानी पटना में डेंगू के मामले काफी बढ़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बीते एक महीने में 150 से अधिक डेंगू के मामले सामने आए हैं। इसको लेकर पटना प्रशासन सतर्क हो गई है। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर हुए कदम कुआं स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अस्पताल में किट के माध्यम से डेंगू की जाँच प्रक्रिया शुरू हुई है। डेंगू में दी जाने वाली दवाइयाँ भी अस्पताल में उपलब्ध हैं। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए PMCH में 10 और NMCH में 12 बेड रिजर्व किए गए हैं। पटना विश्वविद्यालय पहुंचकर तेज प्रताप यादव ने डॉल्फिन संरक्षण सेंटर का किया निरीक्षण। महागठबंधन सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं। दरअसल बीते दिन अचानक हुआ पटना विश्वविद्यालय पहुंच गए जहां उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मंत्री बनने के बाद लगातार सक्रिय रहने वाले तेज प्रताप यादव ने पूरे परिसर का भ्रमण कर वहां का जायजा लिया। बता दें कि तेज प्रताप यादव पटना साइंस कॉलेज में डॉल्फिन संरक्षण सेंटर के निर्माणाधीन कार्यों को देखने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें डॉल्फिन संरक्षण सेंटर की गतिविधियों से अवगत कराया। अब बिहार में भाजपा की लड़ाई राजद से ना कि जदयू से। महागठबंधन सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। इस बीच विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने एक बार फिर जदयू पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन के पास वोट ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब कोई वजूद नहीं रह गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चरणों में गिरे रहते हैं। बिहार की राजनीति में उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। वह दिन दूर नहीं है जब तेजस्वी यादव कल्याण बिघा में कुटिया बनाकर नीतीश कुमार को देंगे। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि बिहार में BJP की लड़ाई राजद से है ना कि जदयू से। रोहिणी आचार्य ने सुशील मोदी पर लगाया बड़ा आरोप। लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इस बीच रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से सुशील मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल बीते दिन रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक ट्वीट किया जिसमें एक ट्वीट सुशील मोदी के लिए भी था। रोहिणी ने उस ट्वीट में सुशील मोदी पर आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि रोहिणी ने लिखा कि ये वही सुशील मोदी हैं जो केंद्रीय मंत्री के दंगाए पुत्र को शाबाशी देकर गले लगाया करता था, बुद्ध की भूमि को रक्त रंजित करके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाला करता था। वहीं रोहिणी ने सवाल करते हुए लिखा कि सुशील मोदी उस समय बिहार में कौन सा राज चल रहा था, जनता को यह भी बता दो जरा।
नीतीश कुमार को मिला सपा का समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के विजयी रथ को 2024 लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जदयू को विपक्षी दलों का समर्थन मिलता हुआ भी दिख रहा है। एक ओर जहां बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खुले मंच से नीतीश कुमार के समर्थन का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर अब उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार का साथ देने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसके लिए पोस्टर भी जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। इस पोस्टर से अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। भाजपा बनाएगी सेवा पखवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भाजपा सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी के जन्म जयंती दिवस 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। इसकी जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बीते दिन दी है। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रदेश एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यह प्रदर्शनी नमो ऐप पर भी एक डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध रहेगी, जिसे सरलता से शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा द्वारा प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे का जन्म 1895 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाने वाले क्रिकेटर लाला अमरनाथ का जन्म 1911 में हुआ था। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री श्रेया सारन का जन्म 1982 में हुआ था। तमिल कवि सुब्रमण्य भारती का निधन 1921 में हुआ था। ब्रिटिशकालीन भारत के प्रमुख नेता और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का निधन 1948 में हुआ था। प्रगतिशील भारतीय कवि मुक्तिबोध गजानन माधव का निधन 1964 में हुआ था। भारतीय गुरु नीम करोली बाबा का निधन 1973 में हुआ था। हिंदी कवित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का निधन 1987 में हुआ था। भारतीय सेना का एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह का निधन 1968 में हुआ था। सितंबर वर्ष 1906 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में भारतीय सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट मुर्की शहर पर कब्जा कर लिया था। गूगल के इस फीचर से फोन पर आएगी क्लियर आवाज। अगर आपके फ़ोन में भी बात करते समय नहीं आती है क्लियर आवाज़, तो यह खबर आपके लिए हो सकता है। शायद आपको मालूम हो कि नेटवर्क की गंदी स्थिति की वजह से अगर आपको बात करने में परेशानी हो रही है, तो एंड्रॉयड आपको वाईफाई कॉलिंग की सुविधा देता है, लेकिन जैसे ही आप वाईफाई रेंज से दूर जाते हैं आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यूज़र्स की इस परेशानी को देखते हुए गूगल एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिससे फ़ोन पर बात करते हुए आवाज़ अब साफ और स्पष्ट सुनाई देगी। गूगल पिछले काफ़ी समय से एंड्रॉयड के अगले वर्जन एंड्रॉयड 13 पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गूगल एंड्रॉयड 13 में क्लियर कॉलिंग के नाम से एक नया फीचर पेश कर सकती है। इस फीचर के लॉन्च होने के बाद यूजर्स कहीं भी और किसी से भी क्लियर यानी साफ और स्पष्ट आवाज में फोन पर बात कर सकेंगे। यह फीचर कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड में आने वाली किसी भी तरह की नॉइज या आवाज को कम कर देगा। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे 500 के फर्जी नोट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 500 के फर्जी नोट के बारे में। दरअसल PIB द्वारा एक ट्वीट में कहा गया है कि एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है कि 500 का वह नोट नकली है, जिसमें हरी पट्टी RBI गवर्नर के सिग्नेचर के पास ना होकर गांधी जी की तस्वीर के पास होती है। PIB ने इस दावे को फर्जी बताया है। RBI के अनुसार दोनों ही तरह के नोट मान्य होते हैं। इंडिया लीजेंड्स ने साउथ अफ्रीका को 61 रनों से हराया। इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे सीजन के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स को 61 रनों से हराया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया लीजेंड्स ने स्टुअर्ट बिनी की नाबाद 82 रनों की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 217 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 156 रन ही बना सकी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में कुल 8 टीमें खेल रही हैं। आपको बता दें कि जिसे 4 शहरों में कुल 23 मैच खेलने हैं। इसमें भाग लेने वाली टीमों में इंडिया लीजेंड्स, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड लीजेंड्स शामिल है। टूर्नामेंट का मकसद लोगों के बीच रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता फैलाना है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोपाल कुमार, पवन कुमार पंडित, शशि पटेल, अशोक राम, पूनम कुमारी, अनवर करीम खान, शिव जी यादव, उमेश ऋषिदेव, अमित कुमार, श्याम नंदन चौधरी, राम प्रवेश दास, सतीश कुमार और नवीन राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार एशिया कप 2022 श्रीलंका बनाम पाकिस्तान फाइनल मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।